इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन ग्रेटर कैलाश दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, उषा जैन, कुणाल जैन, मानसी जैन, शुभम जैन पालम गांव दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्री प्रवीण जैन, नीना जैन जंगपुरा भोगल दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्री राकेश जैन, रजनी जैन, मानू जैन, प्रज्ञा जैन, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर श्वेता जैन, यशिका जैन, ओमांशु जैन, इवान जैन भोगल आश्रम दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती अंजुला जैन रोहिणी दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्रीमान सचिन जैन CA, श्रीमती प्रियंका जैन, अदिति जैन, विधि जैन पहाड़गंज दिल्ली। सहयोग के लिए हम सब पूरा अहिंसा स्थल मंडल आपके आभारी हैं और आगे भी आपके ऐसे ही सहयोग मिलता रहे ये कामना करते हैं। अनुभव आज प्रातःकाल से सभी लोग एक ही बात की रट लगा रहे हैं, चाहे वह जैन हो चाहे जैनेतर हो, खम्मामी सब जीवाणाम सब्बे जीवा खमंतु मे, मिट्टी में सब उदेशो वैरम मध्यम न केणवी। लेकिन मेरा प्रश्न है कि यह जो श्लोक है वह कितनी देर तक के लिए है, कितने समय तक के लिए है कि मात्र बोलने बस के लिए है। मैंने जब प्रातःकाल आज यह श्लोक पढ़ रहा था, श्लोक बोल रहे थे लोग, तो मैंने विचार किया कि क्या क्षमा मांगने की वस्तु है कि क्षमा देने की वस्तु है। जहां पर लेना देना होता है वह कहलाता है व्यापार। तो ना तो क्षमा मांगने की वस्तु है ना क्षमा देने की वस्तु है, बल्कि क्षमा अपनी आत्मा में धारण करने की वस्तु है। जो व्यक्ति क्षमा को अपने जीवन में धारण कर लेता है फिर ना उसको क्षमा मांगने की आवश्यकता होती है और ना क्षमा करने की उपयोगिता होता है। क्षमा जहां पर जीवन में आ जाता है वहां पर जीवन में कुछ भी शेष नहीं बचता, बल्कि वह जीवन ही विशेष हो जाया करता है। जहां पर क्षमा आ जाती है वहां कुछ नहीं बचता, बल्कि जीवन ही विशेष हो जाया करता है। अभी जब से मैं सुन रहा था सबकी बातें, महाराज की, माता जी की, अतिथियों की, प्रशासनिक व्यवस्थाओं की, मैं बैठे बैठे सोच रहा था, हमारे गजेंद्र भाई जब बोल रहे थे, आरती जी आई तो बोल रहे थे, तो मैं सोच रहा था इनके भी जीवन का संयोग है। यदि मान लीजिए जहां पर इनका गजेंद्र नाम है, जहां पर यदि सारे त्रियंचो खड़ा कर लिया जाए तो सबसे ज्यादा यदि जैन समाज में उपयोग में आता है तो गज अर्थात हाथी आता है, और ऐसे हमारे गजेंद्र भाई के हर जैन समाज के कार्य में उपयोग में आते हैं। जैन धर्म में अन्य संप्रदाय में पूजा होती है, आरती होती है, सब कुछ होती है, पूजा दो लोग मिलकर करते हैं लेकिन आरती सारे लोग मिलकर करते हैं। और आरती जी यहां पर है कि सबके लोग सबके साथ सहयोग के साथ करते, पूजा में चार लोग बैठेंगे, जिनवाणी चार लोग भेंट करेंगे, लेकिन आरती जब होती है जब सारा पंडाल एक साथ आरती को पकड़ लेता है। तो ऐसे ही हमारे जैन समाज के लोगों ने, अन्यत्र लोगों ने इनको बांध रखा है और अपने कार्य संपन्न करते हैं। क्षमावाणी महोत्सव, देखिए हमारे जैन आगम में कोई भी पर्व हो उसको महोत्सव कहा जाता है,
यहाँ जैन धर्म एक ऐसा धर्म है कि यहाँ पर मृत्यु भी महोत्सव बन जाया करता है। अन्य संप्रदाय में जन्म की खुशियां मनाई जाती हैं, लेकिन जैन धर्म में जो व्यक्ति मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, जब ही उसका जन्म कल्याणक बनाया जाता है, उसके पहले जन्म की कोई सार्थकता नहीं होती। यहाँ पर मोक्ष को मोक्ष कल्याणक दिवस मनाया जाता है। आज चर्चा है क्षमावाणी महोत्सव। हमारे पंडित जय कुमार शास्त्री जी कितनी अच्छी बात कही, उन्होंने बताया कि आज विश्वविद्यालय एक जगह स्थित हैं, केंद्रीय विद्यालय एक जगह स्थित हैं, लेकिन यदि चलती फिरती यूनिवर्सिटी यदि कोई है तो वे हमारे भारत देश के दिगंबर संत हैं। कि जो चलती फिरती यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में तो आदमी को पढ़ने भेजना पड़ता है, लेकिन इनके पास भेजना नहीं पड़ता, ये खुद ही उपदेश देना चालू कर देते हैं। रस्ते हो चाहे कहीं पर हो, तो चलते फिरती यूनिवर्सिटी पूरे विश्व में है, तो दिगंबर संत होते हैं। क्षमावाणी महोत्सव जैन धर्म में सबसे पहला दिन था उत्तम क्षमा का। आज प्रभादी राज पर्युषण पर्व का समापन हो रहा है क्षमावाणी के माध्यम से। जैन धर्म में बताया जाता है कि विगत वर्षों में जो हमसे जाने में अनजाने में भूल हुई हो, चूक हुई हो, उन सभी की हम क्षमा याचना कर रहे हैं। निश्चित रूप से आप सभी ने व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, अन्य सारे मैसेज मैसेंजर के माध्यम से क्षमावाणी पर्व को मनाने का प्रयास किया होगा। लेकिन क्या सच में आपने क्षमावाणी पर्व का मैसेज उस व्यक्ति को, उस महिला को, उस पुरुष को भेजा है जिससे आपकी बैर विरोध है? जिनको आप क्षमावाणी का मैसेज भेज रहे हो, उनको तो आपसे कोई नाराजगी है ही नहीं। सच मायने में क्षमावाणी मनाना है तो आपको उसको मैसेज हाथ जोड़कर भेजना चाहिए जिससे आपकी बोलचाल बंद है, जिसके प्रति आपको देखकर राग की भावना, देश की भावना उत्पन्न होती है, उनसे क्षमा मांगोगे तो सचमुच में क्षमावाणी होगी। नहीं तो बस ये तो एक फॉर्मेलिटी है कि मदर डे आया तो सारे आदमी माता के पुत्र बन जाते हैं, ब्रदर डे आता है सारी बहन भाई की बहन बन जाती हैं, और क्षमावाणी आती है तो सारे जैनी ऐसे बन जाते कि इनसे बड़ा कोई क्षमाशील है ही नहीं। और थोड़ी देर में क्या होगा, थोड़ी देर में क्या होता है कि यदि पानी का गिलास दो मिनट बाद मिला, अरे इसलिए तो मैं आता नहीं। अरे भैया एक घंटे तीन घंटे से क्षमावाणी क्या सुन रहा था, तीन घंटे से सुना खम्मा में सब्जी वाला ताली पीट रहा था, और जब क्षमा करने का सचमुच में अवसर आया तो उस समय सारे शांत पड़े। क्षमा न मांगने से मिलती है, न क्षमा देने से मिलती है। क्षमा यदि मिलती है तो इंसान को अपने जीवन में उतारने से मिलती है, क्योंकि ध्यान रखना दे कौन सकता है जिसके पास होगा। आप किसी को क्षमा क्या कर पाओगे, जब तक आपके जीवन में आपके अंतरंग में क्षमा भाव नहीं होगा, जब तक आप क्षमा भाव क्या पाओ। एक बच्चा सुबह आया बोले महाराज जी क्षमा भाव, बड़ा एक आया क्षमा भाव, बुजुर्ग आया क्षमा भाव। मैंने उन तीनों की ओर गौर से देखा तो मैंने कहा भैया तू तो जिंदगी में पहली बार मेरे दर्शन करने आ रहा है और कह रहा है क्षमा भाव। विचारणीय बात है कि जिस आदमी ने आज तक हमें देखा ही नहीं, संघ को देखा नहीं, उसने अपराध क्या किया होगा। जो रोज आते हैं, रोज जाते हैं, कुछ करते हैं, उनसे बात क्षमा की बात होती है। जिसने देखा ही नहीं बोले महाराज जी घर वालों ने बोला था कि जो मिले सबको क्षमा भाव कर देना, जो मिले सबको क्षमा भाव कर देना, तो मैं तो सबको क्षमा भाव करते जा रहा हूं। क्षमावाणी पर्व यह मनाया जा रहा है और क्षमावाणी महोत्सव, मैं आपको बता रहा था कि जैन धर्म में प्रथम दिन उत्तम क्षमा धर्म का दिन होता है, अर्थात यहां पर क्षमा से नींव खोदी जाती है और क्षमावाणी अर्थात मंदिर का जब शिखर बनता है तो यह क्षमा पर ही जाकर समाप्त होता है। तो बीच में सारी कसाई कहां रह जाएंगी। क्षमा कई तरह से होती है, एक अंतरंग से क्षमा होती है, एक बहिरंग से क्षमा होती है। कई लोग डर के मारे क्षमा कर लेते हैं, कई लोग क्रोध के कारण क्षमा कर लेते हैं, कई लोग मान के कारण क्षमा कर लेते हैं। एक बार एक मोहल्ले का पहलवान, पहलवान समझते हैं, हंसता तगड़ा, गली से गुजर रहा था, गली से गुजर रहा था, ऊपर से एक टेनिस की गेंद गिरी। सोचिए मोहल्ले का पहलवान गली से गुजर रहा है और टेनिस की गेंद उसके सिर पर पड़े तो उसकी अंतरंग की आत्मा क्या बीतेगी। उसने आओ देखा ना ताओ गुस्से में सीढ़ी चढ़ के पहुंचा, बोले जिसने ये टेनिस की गेंद फेंक कर मारी मैं उसका सिर फोड़ दूंगा। सारे लोग परेशान, पता नहीं आज क्या होने वाला है, सारे लोग परेशान कि पता नहीं वहां पर आज क्या होने वाला है। वहां पर जैसे ही वह गया तो वह जाकर देखता है मोहल्ले का पहलवान बहुत तीव्र गति से गया, इतनी तीव्र गति से गया कि 20-25 सीढ़ी जो 5 मिनट में चढ़ते थे वो 3-4 मिनट में ही चढ़ गया।
विचार करना, क्रोध में आदमी का शक्ति में तेजी आ जाती है, क्रोध करने में आदमी गुस्से में वह वस्तु उठा लेता है जो शांति में उठा ही नहीं सकता, गुस्से में इतनी दौड़ लगा देता है जो शांति से दौड़ लगा ही नहीं सकता, क्योंकि जब क्रोध आता है तो आदमी के रक्त का संचार भी तेजी से बढ़ जाता है, तो एकदम ऊपर पहुंचा फटाफट। वहां पर पहुंचने के बाद उसके हाथ जुड़ गए, जैसे ही वहां पर पहुंचा तो उसके हाथ जुड़ गए। वह ऊपर जाकर देखता क्या है कि पूरे शहर का पहलवान व्यायाम कर रहा है। वह ऊपर जाकर क्या देखता है, मोहल्ले का पहलवान ऊपर जाकर देख रहा है कि पूरे जो नगर का पहलवान था वह कसरत कर रहा था। उसने कहा कैसे आना हुआ, बोले मैं यहां से गुजर रहा था तो आपके बच्चे की टेनिस की गेंद गिर गई, तो मैंने सोचा मैं ही ऊपर देखकर आ जाता हूं। बिचारनी बात है कि आदमी कितने गुस्से में कितने क्रोध में गया था, लेकिन जब उसने अपने से शक्तिशाली जीव को देखा तो वहां पर क्या कहा कि मैं यहां से गुजर रहा था तो सोचा आपके बच्चे की टेनिस की गेंद देता जाऊं। सोचिए क्षमा क्या है, क्षमा अंतरंग की वस्तु है। मैं जानता हूं आप मुझसे पूछो, हम भी संसार में रह रहे हैं, कि क्षमा की बात करना आसान है लेकिन क्षमा को जीवन में उतारना बड़ा मुश्किल कार्य है। आज क्षमा वाणी है, और जहां पर भाई रवि जी ने बताया था, महाराज जी बता रहे थे आपको, कि जहां पर जिनवाणी होती है वहां पर तो क्षमा वाणी अपने आप हो जाती है, और जहां पर जिनवाणी नहीं जनवाणी होती है वहां क्षमा वाणी तो कभी पास में आ ही नहीं सकती। जिनके जीवन में जिनवाणी है उनके जीवन में क्षमा वाणी अपने आप है, अपने आप है, और जीवन का कल्याण है। विचार करिए क्षमाशील व्यक्ति कौन है, क्षमावान व्यक्ति कौन है। आज हम लोगों से क्षमा भाव करते हैं, इनसे करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमको सचमुच में क्षमा मांगना है तो हमें आकाश से क्षमा मांगना चाहिए, हमें सूरज से क्षमा मांगना चाहिए, हमें धरती से क्षमा मांगना चाहिए, जिनके ऊपर हम लोग दिन रात अपनी क्रियाएं कर रहे हैं, उनके साथ में रह रहे हैं। जिस दिन धरती ने बीच में छेद करना प्रारंभ कर दिया कोई नहीं बचेगा। जहां आकाश से सूर्य से सूर्य निकलना बंद हो जाए वहां सबका जीवन अंधकार हो जाएगा। जो वस्तुएं बोल नहीं सकती लेकिन क्षमा भाव हमें उनके द्वारा करना चाहिए। भगवान के पास जाके क्षमा भाव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि परमात्मा हमें हर तरफ हर नजर से देख रहे हैं। तो आज क्षमावाणी का पर्व है, इस क्षमावाणी पर्व पर मैं आप सभी को यही कहूंगा कि खम्मामी सब जीवाणाम्बाई जो सुक्ति है आप जीवन में रोज 108 बार भी कर लो तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन जब सचमुच में आपके अंतरंग में क्रोध भड़क रहा हो, अंतरंग में क्रोध की ज्वाला भड़क रही हो, अंतरंग में आपके कसाय भड़क रही हो, उस समय आपके अंदर से वह भाव निकलेगी खम्मामी सब जीवाणाम, तो समझ के चलना कि सारा काम हो जाएगा। तो हम लोग बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, क्षमा करीना क्षमा करीना क्षमा करीना प्रभु मुझको, क्षमा करीना क्षमा करीना प्रभु मुझको, किया अपराध जो मैंने तुम्हारी जानी अनजानी, क्षमा करीना प्रभु मुझको, क्षमा करीना सभी जनिको, सभी संग मित्रता मेरी इसी से बैरी ना क्षणिको। क्या बात करते हैं कि सभी संग मेरी मित्रता है, किसी से मेरा बैर भाव नहीं है। कितने भी ग्रंथ पढ़ लीजिए, कितना भी आप कार्य कर लीजिए, लेकिन जब तक मैत्री का भाव नहीं, प्रेम का भाव नहीं, और मैं तो एक बात कहता हूं कि आपके जीवन में मान लो मैत्री नहीं है कोई बात नहीं, प्रेम नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन जीवन में कम से कम मध्यस्थता तो ले आओ। जो जीवन में मध्यस्थता लाता है, मध्यस्थ भवम विपरीत वृत्तो, आचार्य अमित गति स्वामी जी ने समय पाठ में कह दिया कि मध्यस्थ भवम विपरीत वृत्तो, की विपरीत वृत्ति जब हो रही है तो उस समय मध्यस्थ हो जाए। गजेंद्र जी बोल रहे थे, सारी महिलाएं ताली बजाओ, कि एक पति अपनी पत्नी प्रशंसा कर रहा है, सारी पति ताली ठोकने लगी, लेकिन उससे उनको एक सीख मिलती है पत्नियों को कि भी वो देखिए उन्होंने भी कितनी अच्छी बात कही बाद में, कि गजेंद्र जी बहुत सारी बात बता चुके तो मैं कम बोलूंगी। तो ये बात सब पति पत्नी को जाना है, ध्यान रखना घर में जाकर कि पति बोल रहा है तो पत्नी शांत हो जाए तो क्षमा भाव हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं वो बोले कि गजेंद्र जी ने क्या कहा था तुम भी बोलो, तो उसके बाद आरती जी ने कहा था वो भी, तो ध्यान रखो सारे के सारे लोग।
एक बार ऐसे ही हुआ कि जब चलते रहते हैं, थोड़ी थोड़ी चीजें थोड़ी थोड़ी चलती रहती हैं, समस्याएं चलती रहती हैं। एक बार एक व्यक्ति आया, एक संत के पास गया, बोले संत जी मैं ग्रस्त जीवन में प्रवेश कर रहा हूं, मुझे आप बताइए कि ग्रस्त जीवन मेरा अच्छे से चले मैं क्या करूं। संत बोले मैं तो संत हूं, आप ऐसा करो कि कबीर नाम का आदमी उस जगह पर रहता है, उससे जाकर पूछ किया जाओ कि ग्रस्त जीवन को सुचारू रूप से चलाना है तो क्या करूं। तो वह वहां पर पहुंचा, बोले संत ने आपके पास भेजा है। तो कबीर ने अपनी पत्नी को आवाज दी, दोपहर में धूप में बैठा था ठंडे के समय में, अंदर से आवाज दी कि भगवान लालटेन लेकर आना। आप विचार करिए कि आपके पतिदेव बीच धूप में बैठे हैं और अंदर से आपको आवाज दे कि लालटेन लेकर आना, तो अंदर से क्या जवाब आएगा, अंदर से क्या जवाब आएगा। तो उसने कहा कि लालटेन लेकर आना, वह जलती हुई लालटेन लाकर कबीर के सामने रख दी। वह आदमी सोचने लगा मैं अपनी ग्रस्त की शुरुआत करने की बात करने आया हूँ, ये क्या कर रहा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, उषा जैन, कुणाल जैन, मानसी जैन, शुभम जैन, पालम गांव दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्री प्रवीण जैन, नीना जैन, जंगपुरा भोगल दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्री राकेश जैन, रजनी जैन, मानू जैन, प्रज्ञा जैन, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर श्वेता जैन, यशिका जैन, ओमांशु जैन, इवान जैन, भोगल आश्रम दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती अंजुला जैन, रोहिणी दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्रीमान सचिन जैन CA, श्रीमती प्रियंका जैन, अदिति जैन, विधि जैन, पहाड़गंज दिल्ली।